सो दिस इज अनदर गुड क्वेश्चन ऑन हाइड्रोस्टैटिक्स इसमें जो हमारी वॉल है उसके लिए जो एंगल ऑफ इंक्लेशन है थीटा वो 90 से कम लग रहा है विद द हॉरिजॉन्टल तो इस केस में हमें कंप्यूट द नेट फोर्स ऑफ वाटर बाय द साइड्स ऑफ द कंटेनर कंप्यूट द नेट फोर्स ऑन वाटर बाय द साइड्स ऑफ द कंटेनर तो पानी के ऊपर कंटेनर कितनी फोर्स लगा रहा है इफेक्टिवली हमें क्या निकालना है हमें पानी की वजह से वॉल के ऊपर ठीक है जो फोर्स निकालनी है इस वाली वॉल के ऊपर वही निकालनी है ठीक है तो कैसे हम निकाल सकते हैं इस केस में तो इसको करने के लिए हमारे पास हम इस फिगर को रिड्रॉ कर देते हैं वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट दिस वॉल और इस वॉल के ऊपर पानी कितनी फोर्स लगा रहा है या पानी के ऊपर ये वाली वॉल कितनी फोर्स लगा रही है दैट इज़ द रियल क्वेश्चन एंगल थीटा इज नॉट 90 डिग्रीज तो इसको समझने के लिए हम इस फिगर को थोड़ा सा रिड्रॉ करते हैं तो इन केस यू कांट अंडरस्टैंड दिस फिगर आई विल जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन दिस टू यू तो इसमें आप ध्यान से देखो ये आपके पास कंटेनर uh, है और ये जो दो लाइंस हैं ये वर्टिकल लाइंस हैं लेकिन कंटेनर की जो वॉल्स हैं वो वर्टिकल ना होकर थोड़ा सा ऐसे हैं मतलब ताकि ये जो एंगल आपका आ रहा है दिस एंगल इज गोइंग अप टू थीटा वैल्यू विच इज लेस देन 90 तो यहाँ पे ये एंगल थीटा 90 से कम है तो इसको अगर मैं ऐसे दिखा देता हूँ यहाँ तक थी इज लेस देन नाइन्टी सो दिस इज़ दी वैसल वॉल और ये एक स्ट्रिप हमने यहाँ पे ली है और इस स्ट्रिप का जो वाटर का लेवल जो यहाँ तक है वहाँ से कुछ डिस्टेंस नीचे तक तो इस डायग्राम को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा इसमें जो वाटर आपको दिया वो कैपिटल एच हाइट तक दिया हुआ है और अगर हम यहाँ से कुछ डिस्टेंस तक आए यहाँ पे ये यह डिस्टेंस को अगर हम स्मॉल है मान लें तो यहाँ पे थोड़ी सी दूर तक हम इस स्मॉल डिस्टेंस को डी मान लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर रह है तो ये स्मॉल लेंथ डी एल है ठीक है तो इस तरीके से आप विजुलाइज करो अब इसको हम यहाँ पे एक स्ट्रिप ली हमने यहाँ पर और इस स्ट्रिप की जो ये वाली विट है दिस इज डी एल और ये जो चीज़ है इसको हम स्मॉल बी से दिखा रहे हैं ठीक है इसको हम विट ऑफ द टैंक या ब्रेड ऑफ द टैंक बोल सकते हैं ठीक है तो अब इसमें देखो आप हमें क्या करना है हमें कैलकुलेट करना है टोटल फोर्स तो अगर मैं जो आपकी स्ट्रिप हमने यहाँ पे ली थी अगर हम उस स्ट्रिप के ऊपर देखते हैं तो स्ट्रिप के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो नॉर्मली लगेगी वाटर की वजह से और स्ट्रिप भी वाटर के ऊपर नॉर्मली फोर्स लगाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में तो वाटर के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो इस तरफ लगेगी ठीक है लेकिन हम डी एफ निकालते हैं और डी एफ के हमारे पास दो कॉम्पोनेंट्स आएंगे अगर ये एंगल थीटा है ठीक है तो ये वाला एंगल फाइव होगा तो फाइव एंड थीटा आर कॉम्प्लीमेंट्री फाइव इज इक्वल टू नाइन्टी माइनस थीटा तो अगर ये फाइव है तो ये भी फाइव हो जाएगा और ये नाइन्टी है तो ये नाइन्टी माइनस फाइव हो जाएगा और ये फाइव uh, हो जाएगा दोबारा से तो डी के जो इस तरफ हॉर्जोंटल डायरेक्शन में जिसको हम एक्स कॉम्पोनेंट बोलते हैं दैट विल बी डी एफ कॉस ऑफ फाइव और डी का जो इस तरफ कॉम्पोनेंट है वर्टिकल डायरेक्शन में उसको हम बोल सकते हैं डी एफ साइन ऑफ फाइव तो पहले हम डी की वैल्यू निकालते हैं तो सपोज ये पॉइंट फ्री सर्फिस से एच डेप्थ के ऊपर है तो यहाँ पर प्रेशर इतना हो जाएगा और ये स्ट्रिप का एरिया है जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था डी एल इन टू बी इज द एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप और ये आपके पास फिर इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है उसकी एक्सप्रेशन आ गई अगर हम इस ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं सिंपल ठीक है तो आपके पास ये वाला एंगल फाइव ये वाला एंगल फाइव है तो हम और ये वाला एंगल फिर थीटा आ जाएगा तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री से एलिजिबल टू एच को सेकंड थीटा इस ट्राइंगल में हमने ट्रिग्नोमेट्री लगा दी ठीक है वी हैव अप्लाइड जस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडियाज इन दिस ट्राइंगल तो अगर इस ट्राइंगल में मैं Uh, यहां पे मेरे पास जो एंगल है वो थीटा एंगल है तो साइन ऑफ थीटा आएगा एच अपॉन एल तो वहां से हमारे पास एल इज टू एच कोसिकंड थीटा आ जाएगा अब इसमें देखो थीटा इज अ कांस्टेंट तो अगर मैं इसका दोनों तरफ डेरिवेटिव लेता हूँ डी एल बाई डी एच डी एल बाई डी एच लेता हूँ तो इस तरफ भी मुझे डी बाई डी एच करना पड़ेगा कोसिकेंड थीटा तो कॉन्स्टेंट है डी बाई डी एच ऑफ एच इज वन तो मतलब डी एल की वैल्यू आ जाएगी कोसिकेंड थीटा इन टू डी एच ठीक है इसका डेरिवेटिव लेने के बाद और हमारे पास जो डी एफ की वैल्यू आ गई है डी एफ की वैल्यू वो कितनी है हमारे पास जो इस केस में डी एफ की वैल्यू हम भी हमने कैलकुलेट की थी तो उसमें हम एल को रिमूव कर देंगे वी विल गेट दी आंसर इन टर्म्स ऑफ एच तो हमारे पास जो एच की वैल्यू एच की वैल्यू यहाँ पे आ रही है डी एल की वैल्यू को हम को थीटा थी डी एच कर देते हैं ठीक है तो एच की टर्म्स में ये सारे फोर्स की एक्सप्रेशन आ गई अब हमें इंटीग्रेट करने में आसानी होगी जो हमें टोटल फोर्स निकालनी होगी तो।, तो अब ये आपके पास इस फोर्स का मैग्नीट्यूड आया अब इस फोर्स का जो एक्स कॉम्पोनेंट है उसमें मुझे कॉस ऑफ फाइव लेना है कॉस ऑफ फाइव ठीक है आपके पास जब हम कॉस ऑफ फाइव की वैल्यू लिखेंगे तो वो आएगी साइन ऑफ थीटा ठीक है क्योंकि फाइव इज इक्वल टू तो नाइनटी माइनस थीटा तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर वन हो जाएंगे क्योंकि कॉस फाइ साइन थीटा और ये वन अपॉन साइन थीटा तो ये वन हो गया तो आपके पास ये एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स जो इस फोर्स का कॉम्पोनेंट इस डायरेक्शन में आ रहा है वो इतना आ जाएगा डी एफ एक्स ठीक है तो डी एफ एक्स को हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास टोटल हॉर्जोनटल फोर्स आ जाएगी अलॉन्ग दी हॉर्जोंटल विच दॉटर इज अपलाइंग ऑन दिस इंक्लाइंड वॉल तो टोटल फोर्स कैसे आएगी इसको इंटीग्रेट करके अब इसमें स्मॉल एच रो जी बी तो कॉन्स्टेंट है स्मॉल एच इज़ द वेरिएबल अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ जीरो से लेकर और कैपिटल एच तक तो इंटीग्रेशन करके एच स्क्वायेर बाई टू करके मेरे पास ये आंसर आएगा सो एफेक्स इज इक्वल टू दिस ये हॉर्जोन्टल कॉम्पोनेंट फोर्स है लेकिन अगर मैं टोटल फोर्स निकालनी है जैसे कि आप क्वेश्चन में पढ़ेंगे तो मुझे इसके वर्टिकल कॉम्पोनेंट को भी कंसिडर करना पड़ेगा तो इसका वर्टिकल कॉम्पोनेंट जो आएगा वो डी एफ साइन फाइव एंड साइन फाइव बिकॉज फाइव एंड थीटा का सम नाइन्टी है तो फाइव इज इक्वल टू नाइन्टी माइनस थीटा है ठीक है तो साइन ऑफ फाइव विल बिकम कॉस ऑफ थीटा तो डी एफ कॉस थीटा ये आपके पास अब हम डी एफ का मैग्नीट्यूड अभी हमने निकाला था वो इतना था तो हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ठीक है और ये आपके पास ये डी एफ का मैग्नीट्यूड है ठीक है और हम कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं तो ये कोसिकेंड थीटा और कॉस थीटा मिलके कॉट थीटा हो जाएंगे क्योंकि वन अपॉन साइन थीटा तो ये वर्टिकल अब वर्टिकल फोर्स है इस स्मॉल एलिमेंट के ऊपर ये जो स्मॉल डीएल लेंथ का डीएल विथ का एलिमेंट है या डीएल लेंथ का एलिमेंट है और ये इसके ऊपर टोटल वर्टिकल फोर्स है यानी कि इस डायरेक्शन में लगने वाली फोर्स अब पूरे के पूरे वॉल uh, के ऊपर जो वर्टिकल फोर्स वाटर के ऊपर से लग रही है वो कैसे निकलेगी इन्हीं कॉम्पोनेंट्स को ऐसे ऐसे कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट करके तो जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा तो मुझे ध्यान रखना है कि कॉट थीटा फिर से कॉन्स्टेंट है और मुझे यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा जीरो से लेके कैपिटल एच तक तो मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो ये एच बाई टू दोबारा से आ जाएगा ठीक है सो दिस इज हाउ वी हैव टू डू दिस अब टोटल फोर्स क्या है हॉर्जोंटल यानी कि जिसको मैंने एक्स से दिखाया और वर्टिकल जिसको मैंने वाई से नहीं वी से दिखाया तो जब मैं एफ एक्स और एफ वी की जो वैल्यूज मैंने निकाली है, वो इसमें सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो मेरे पास ये इजीली आंसर बन जाएगा इसमें रो जी एच स्क्वेयर बाई टू ये तो सब ब्रैक स्क्वेयर रूट साइन के बाहर चले जाएंगे ये वन प्लस कॉड स्क्वायेयर थीटा इसको सेकंड स्क्वायेयर थीटा उसको स्क्वेयर रूट लेने से को सकेंड थीटा आ जाएगा और हम चाहें तो इसको वन अपॉन साइन थीटा के टर्म्स में भी लिख सकते हैं सो दिस विल बिकम द फोर्स मैनी टाइम्स वी आर आज टू कम्प्यूट फोर्स पर यूनिट विथ ऑफ दी वॉल तो उसको भी हम निकाल सकते हैं ऐसे पर वो आपको जो भी पूछा है हमें तो टोटल फोर्स निकालनी थी तो वी है फाउंड अब इसमें हम कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं देखो सबसे इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन जो है वो ये है कि जब हमें वर्टिकल फोर्स निकालनी है तो इसमें ध्यान से देखने वाली बात क्या है जब हमें वर्टिकल फोर्स निकालनी है तो वी कैन मेक दिस कैल्कुलेशन एंड चेक की जो ये वर्टिकल फोर्स है जिसकी वैल्यू इतनी आई थी जिस वर्टिकल फोर्स की वैल्यू इतनी आई थी ये वर्टिकल फोर्स यानी कि इस वॉल के ऊपर इस वॉल के ऊपर जो वर्टिकल फोर्स लग रही थी ऐसे अगर हम इसको दिखाएं कुछ इस तरीके से इस वॉल के ऊपर जो वर्टिकल फोर्स लग रही थी इट वॉज बिकॉज अब ये ध्यान से देखना अब इसमें एक कंसेप्ट है हाइड्रोस्टैटिक्स में जिसको हम डायरेक्टली याद कर सकते हैं ये वाला जो लिक्विड कॉलम है ये द लिक्विड विच लाइज डायरेक्टली अबव दिस वॉल अबव दिस वॉल ये वाला जो लिक्विड है दिस डज नॉट लाई डायरेक्टली अबव दिस वॉल केवल यहीं तक का जो लिक्विड है वो इस वॉल के ऊपर लाई करता है ठीक है तो ये वाले जो लिक्विड का जो वेट है ये वाले जो लिक्विड का वेट है ठीक है सिर्फ वो ही इसके ऊपर एफ वी की वैल्यू को कॉन्ट्रीब्यूट करेगा मतलब इसने उसके वेट को बैलेंस किया हुआ है तो इस वॉल के ऊपर स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर मुझे ये तो मैंने इंटीग्रेशन से डी एफ बी निकाला डी एफ वी निकाला और डी एफ वी को इंटीग्रेट करके मैंने टोटल फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन निकाला बट आई कैन ऑल्सो डू इट लाइक दिस कि अगर मुझे मालूम है कि ये जो आपके पास डिस्टेंस है ये कितना है यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस है एच ठीक है तो इस जो ये वाला जो लिक्विड है जो यहाँ इस सेक्शन के अंदर लिक्विड है विच इज़ सपोर्टेड डायरेक्टली वर्टिकली अबव दिस वॉल उसका वेट आप निकाल लो तो इसकी वॉल्यूम कितनी आएगी इसकी वॉल्यूम निकालने के लिए आप पहले इसको एक ऐसे क्यूबॉइड इमेजिन कर लो इस तरीके से आपने वाइड इमेजिन किया अब इस वाइड की जो विड्थ है ठीक है वो तो बी है और इसकी जो हाइट है वो कितनी है वो एच है हाइट इज एच विड्थ इज बी और ये जो लेंथ है अभी मैं इसको एक्स से दिखा देता हूँ तो इसको अगर मैंने एक्स दिखा दिया तो इसकी जो वॉल्यूम आई वो इतनी आई अगर मैंने इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दी मास आया और इसका अगर मैंने वेट लिया तो वेट इतना आया जो इसमें लिक्विड है लेकिन ये वेट में ये नीचे वाले लिक्विड को भी मैं काउंट कर रहा हूँ तो मुझे इसको एक्जैक्टली exactly हाफ से डिवाइड करना पड़ेगा सो दिस इज द वेट ऑफ दिस लिक्विड नाउ वी हैव टू चेक कि वेदर दिस एंड दिस एक्सप्रेशन आर सेम और नॉट तो मुझे एक्स को यहाँ से एलिमिनेट करना है तो एक्स को एलिमिनेट करने के लिए हमें मालूम है क्योंकि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है तो अगर मैं टैन ऑफ थीटा लेता तो थीटा तो ऑफ मेरे पास कितना आएगा? अपॉन अपॉन तो exactly तो जो कि हम हाइड्रोस्टैटिक्स की प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं बहुत बार कि इंस्टेड ऑफ इंटीग्रेटिंग डीएफबी ठीक है हम डायरेक्टली इसके ऊपर जो वर्टिकल कॉम्पोनेट ऑफ फोर्स है उसको निकालने के लिए हम डायरेक्टली जो इसके वर्टिकली ऊपर जो लिक्विड सपोर्ट है अगर हम उस लिक्विड की वॉल्यूम निकाल सकें अभी देख रहे हो आप ये वॉल्यूम कैसे बनेगी सो दिस वॉल्यूम इज़ नॉट परफेक्टली क्यूबॉयल हमने क्यूबॉइड की वॉल्यूम निकाल के और उसमें से आधे लिक्विड को छोड़ दिया था तभी हमने यहाँ टू से डिवाइड किया था तो क्या कोई हॉर्जोंटल कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स निकालने की भी ट्रिक है लेट एस आस्क के वेदर वी कैन फाइंड दी हॉर्जोंटल कॉम्पोनेट ऑल्सो बाई यूजिंग सम इजी ट्रिक इन दिस सो अद आंसर इज यस उसके लिए भी हमें इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है इन प्रॉब्लम्स में ठीक है जो सिंपल प्रॉब्लम्स होती हैं हाइड्रोस्टैटिक्स की इनमें अगर मुझे हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स निकालना है वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स निकालने के लिए तो मैंने सीखा फिर टोटल फोर्स इन दोनों का रिजल्टेंट है जो अभी हमने फाइंड भी किया था एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वी स्क्वायर करके तो अगर मुझे एफ एक्स निकालना है तो उसके लिए जो ट्रिक यूज़ होती है वो मैं आपको अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ देखिए वो कितनी आसान सी ट्रिक है तो हमें क्या करना होता है जो भी हमारे पास यहाँ पे वॉल है जैसे कि इसके अंदर हमारी जो वॉल है इट इज इंक्लाइंड लाइक दिस टू द फ्लोर एट सम एंगल थीटा ठीक है एट सम एंगल थीटा हमें इस वॉल की प्रोजेक्शन लेनी होती है वर्टिकल प्लेन में मतलब आ, अगर ये एक वर्टिकल प्लेन में ऐसे बना देता हूँ ये एक वर्टिकल प्लेन है ठीक है ये एक वर्टिकल प्लेन है सो लेट अस सी अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डालता हूँ और मैं यहाँ से भी परपेंडिकुलर डालता हूँ सपोज आई ड्रॉप दीज टू परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस वॉल इन दी वर्टिकल प्लेन ठीक है तो ये वॉल तो ऐसे है और जो वर्टिकल प्लेन है वो ऐसे है तो मुझे इस इस वॉल की प्रोजेक्शन लेनी है वर्टिकल प्लेन में अब इस वॉल की प्रोजेक्शन वर्टिकल प्लेन में कितनी आती है वो आप फाइंड आउट करो तो हमें दिया हुआ है कि ये चीज़ एच है दिस थिंग इज़ एच तो अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डालता हूँ और मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डालता हूँ वर्टिकल प्लेन में तो मेरे पास जो रिक्टेंगल आएगा वो रिक्टेंगल कुछ ऐसा आ जाएगा अब उस रिक्टेंगल की जो ये वाली हाइट है ये तो एच आ ही है हमें पहले से ही दिया हुआ है और जो उसकी ये वाली ब्रेथ है वो कितनी है वो तो बी है वो भी हमें पहले से इसमें दिया हुआ है ये हमने एज्यूम कर लिया कि बी है तो यानी कि इस इंक्लाइंट वाला जो एरिया है जो पैरलोग्राम जैसा है इसकी जब हम वर्टिकल प्लेन में प्रोजेक्शन लेते हैं वर्टिकल प्लेन में प्रोजेक्शन कैसे लेंगे एक बड़ा सा वर्टिकल प्लेन इमेजिन करो और इसके जो ये एंड वाले पॉइंट्स हैं इनसे आप परपेंडिकुलर डाल दो इस वर्टिकल प्लेन पे और फिर ऐसे इनसे ये इनसे भी आप परपेंडिकुलर डाल दो ये तो कॉमन ही है उनकी लेंथ तो जीरो आएगी परपेंडिकुलर्स की तो ये वाला जो एरिया है जो रेक्टेंगल आया दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ दिस एरिया इन वर्टिकल प्लेन अब ये जो एरिया है वर्टिकल प्लेन में ये एरिया हमें फाइंड करना है सो वंस यू फाइंड दिस एरिया देन इट इज बिकम्स वेरी ईजी टू फाइंड द फोर्स एक्टिंग uh, uh, the horizontal component of the force. so horizontal component of force is area को जो हमारे पास mean pressure जो हमने पहले निकाला था rho g h by 2 जो कि यही साइड के लिए mean pressure आएगा just अगर हम उससे multiply कर दें तो मेरे पास जो horizontal component of force है वो यहाँ पर आ जाएगा जो अभी हमने यहाँ पर compute भी किया था ये हमारे पास उसी ट्रिक से दोबारा से आएगा सो दिस इज द ट्रिक टू कैलकुलेट horizontal component ऑफ द फोर्स